बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण विजय श्रेष्ठ थे, वे त्रिलोक के विजयी। और विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, शर्ते लागू। के दिन भगवान श्री राम ने लंकेश्वर दशानन रावण का संहार किया था और उसी की स्मृति में बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण विजय श्रेष्ठ थे, वे त्रिलोक के विजयी और सब कुछ इन्हें नजर आता था, इतने विद्वान थे। उस परंतु जो बुराई उनमें थी वह सबसे खराब थी। उसी बुराई के प्रतीक पर, विजय के प्रतीक में भगवान श्री राम द्वारा रावण का पुतला जो जलाया जाता है पुष्कर के बांगड़ किराए पर, लगभग 125 वर्षों से पुष्कर के प्रधान बराह घाट पर स्थित श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के द्वारा ये रामलीला आयोजित की जाती है, जिसमें विगत कुछ वर्षों से पुष्कर की नगर पालिका के द्वारा और वहाँ के चेयरमैन जो निवर्तमान चेयरमैन श्री शिवस्वरूप महर्षि का पूर्ण सहयोग रहता है और ये रामलीला अत्यद्भुतम आयोजित की जाती है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आनंद देते हैं। विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे पर क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, दशहरे के इस महापर्व पर मैं सभी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई की जीत का प्रतीक है। उन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान ब्रह्मा जी और पुष्कर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली आए और जो भी गुरु शक्ति है उनका अंत हो। हिंदू संस्कृति में इसलिए मनाते हैं कि इस पे बुराई पे विजय की जीत हुई, इसीलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। आज भगवान श्री राम ने ये लीला रची थी, जो 10 दिन हमारे बाराघाट चौक में होती है, ये लीला हम यहाँ पर दिखाई गई। आज पूरे हिंदुस्तान भर में और जहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं आज के पर्व को बड़ा मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान श्री राम श्रेष्ठ हैं। उन्होंने बुराई का अंत किया रावण को मार के और जन जन को, बच्चों बच्चों को, जगह जगह सबको यही संदेश भेजा कि जो बुरा होगा उसका एक दिन अंत होना ही है। भगवान श्री राम ने वन में रहकर भी अपनी ओर से सब ऋषियों की रक्षा की, इस पृथ्वी का कल्याण किया। उसी प्रकार आपको हर दिल में भगवान राम बिठाकर जन जन की रक्षा करनी चाहिए और बुराई का नाश करना चाहिए। आपका नाम? मैं रामलीला कलाकार और मेरा नाम अनिल शर्मा। बुराई का प्रतीक है, हर वर्ष संस्था बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये आयोजन रामलीला के 10वें रोज ये आयोजन बांगड़ स्कूल तेरह पे किया जाता है और आज भी हर वर्ष की बातें इस वर्ष ये आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें तीर्थराज पुष्कर की छोटी बस्ती के एवं आसपास के सभी जनता जनार्दन का बड़े उत्साह और उमंग के साथ हमारे को सहयोग रहा और नगर पालिका पुष्कर द्वारा भी हमें आर्थिक सहयोग हर वर्ष किया जाता है, इस वर्ष भी उन्होंने किया, तो हम नगर पालिका का ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। आपका नाम? बोली 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 सुरेंद्र राजौरिया पुष्कर। बस्ती में ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन किया गया। इस वर्ष नगर पालिका ने छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सहयोग किया है और यह सहयोग प्रतिवर्ष करता रहेगा। नगर पालिका प्रथम बार नगर पालिका ने इतनी बड़ी राशि करी है, मंजूर करी है, जिसके लिए मैं ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ को भी धन्यवाद देता हूँ और मेरे नगर पालिका के सारे बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के तत्वावधान में नगर पालिका पुष्कर के आर्थिक सहयोग से जो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष रहता है, ये जलसा प्रधान बाराघाट चौक से चालू होकर नगर पालिका के सामने होलिका चौक हेलोज रोड होता हुआ बांगड़ तिराए पे आया, जहाँ प्रतिवर्ष इस बांगड़ तिराए पे पूरे जो जलसा है उसका यहाँ आयोजन किया है। हल्का सा क्या लीला मंचन होता है, जैसे कुंभकर्ण, प्रहस्त, नारायण तक, दधीबल, मेघनाथ, इनका आदि का लीला मंचन यह होता है। उसके पश्चात जैसे आपने देखा भगवान रथ पे युद्ध करते हैं, जो रावण और भगवान राम का युद्ध रथ पे हुआ है, उसके पश्चात लीला का मंचन यहाँ स्टेज पे किया है। और आपने जैसे देखा पहले कुंभकर्ण के पुतले का दहन हुआ, उसके बाद में मेघनाथ,
और उसके बाद में जो 35 फुट का पुतला था रावण का, उनका दहन किया। उसके भगवान पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, जानकी, सुग्रीव, बाली, अंगद आदि सभी स्वरूपों का यहाँ आरती उतारकर माला पहनाकर उनका अभिषेक किया, वंदन किया गया। आपका नाम? मैं आशुतोष शर्मा, श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष। ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ पुष्कर के तत्वावधान में नगर पालिका के सहयोग से यह दशहरा उत्सव मनाया गया है, जिसमें एक दशहरा कमेटी बनाई गई है, उसके द्वारा ये आयोजन किया गया है। क्या प्रोग्राम होता है, क्यों मनाया जाता है विजय दशमी का ये पर्व? ये भगवान राम जब रावण के ऊपर विजय करके और अपने वापस घर पे, विजय दशमी क्यों मनाया जाता है? भगवान राम जब रावण को घर दहन कर मतलब मारते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम होता है, वो चीज़ है। ठीक है, आपका नाम बताइए। श्री कुमार शर्मा एवं समस्त टीम।